फ्रेंड्स, मैं हूँ लीला। लीला की रसोई में आप सभी का स्वागत है। मैं बनाने जा रही हूँ आज सूखे बेर की सब्जी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसको खट्टी मीठी तीखी इस टाइप से बनाए जाते हैं। तो हमारी ये सूखे बेर है, तो इसको हम पानी में अच्छे से धो लेते हैं। जो धूल मिट्टी जो रहता है ना, इसको अच्छे से धो लेंगे दो बार पानी में। इसको गुड़ के साथ बनाए जाते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। ये मेरी बचपनी की यादें हैं, तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसको पहले हम धो लेते हैं। देखिए, मैं अच्छे से इसको दो बार अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। आपको इसी अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ। हमको तेल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। इतने बोर के लिए 4 गिलास पानी चाहिए, तो मैं 4 गिलास यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। 2 और 3 और 4। हमारा बॉईल अच्छे से पक जाए, उस हिसाब से हमको पानी डालना है। आपको लगे कि बॉईल पका नहीं है और पानी कम हो गया, तो पानी आप डाल सकते हैं, क्योंकि कोई बॉईल बहुत ज़्यादा सूखे रहते हैं, कोई थोड़ा नमी रहता है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ गुड़ मैं इतना ही ले रही हूँ। आप मीठे, थोड़ा मीठा है बॉईल, तो अब इसमें डाल देते हैं हम बेर। अब मसाले में हमें चाहिए नमक, अपना स्वाद अनुसार डालिए, क्योंकि गुड़ भी है इसमें, खट्टी मीठी स्वाद आएगा। तो 1 चम्मच भर के नमक है, और इसमें डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है। 1 चम्मच हमको लाल मिर्च पाउडर डालना है, तो थोड़ा तीखा भी लगेगा ये खाने में। और थोड़ा सा 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालना है। अब इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। अब इसको पकने देते हैं, कम से कम हमको इसको 20 मिनट या आधा घंटा भी लगेगा, तो हम बीच में चेक कर लेंगे। अब इसको ढक के पका लेते हैं हाई फ्लेम में। तो 20 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। अब 20 मिनट हो गया है, मैं चेक कर लेती हूँ। बीच में और एक बार चेक कर ली थी अच्छे से चम्मच चलाने के लिए 1-2 बार, और हमारा ये जो बेर है वो अच्छे से पक गया है। और जब से आपको खट्टा लगे, तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ और डाल सकते हैं, या तो शक्कर डाल सकते हैं 1-2 चम्मच। तो हमारा ये जो बेर है बहुत ही अच्छा पक गया है, एकदम बन के तैयार है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा एकदम अच्छी लगती है, स्वादिष्ट, खट्टी मीठी तीखी नमकीन, ऐसे चारों फ्लेवर स्वाद आता है इसमें। तो आप घर में ज़रूर बना के ट्राई करिए, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।